सो हे गाइस, तो आज हम एक नई मांगा स्टार्ट करने वाले हैं और मिस्ट्रीज, साइकोलॉजी, मर्डर्स और क्राइम्स जैसी चीजें इस मांगा की थीम होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल को देखते हैं जहां लंच ब्रेक के दौरान सभी बच्चे अपने मील को एंजॉय कर रहे थे और बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हो रहा था। जिसके बाद उसी स्कूल में एक लड़की जिसे बांध कर रखा गया था, उसके साथ एक पर्सन भी मौजूद होता है जो डिस्क में एक दूसरा सॉन्ग प्ले करता है। पर स्कूल में कुछ नहीं होता, बिल्कुल पहले की तरह ही सभी स्टूडेंट्स अपने कामों में बिजी थे। और ये देखकर वो किडनैपर चिल्लाता है कि आखिर कुछ क्यों नहीं हुआ, जैसे वो कुछ होने की उम्मीद कर रहा हो। और इसके बाद हम न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी कई लोगों के सामने भाषण दे रहा था कि कैसे उन्होंने इन पिछले 100 सालों में भयानक परिस्थितियों का सामना करा। उन्होंने न्यूक्लियर अटैक को भी झेला, पर इन सभी खतरों के बाद भी वो सभी एक नई सदी में कदम रखने में कामयाब हुए और उन्होंने इंसानियत के ऊपर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे को पार कर लिया। जिसके बाद वो पर्सन जिसने इंसानों को खत्म होने से बचाया वो सामने आता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो डरते हुए अपने बेड से उठती है और खिड़की की तरफ बढ़ते हुए बस यही सोच रही थी कि कुछ भी, पर वो चीज़ नहीं। और हम देखते हैं कि दूर में एक मॉन्स्टर खड़ा था और उसकी आंखें जगमगा रही थी। और अब सीन शिफ्ट होता है कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट केंजी पर, जो कि अपनी मॉम के साथ मिलकर एक मिनी मार्ट चलाता है। और हम उसकी पीठ पर एक बेबी को देखते हैं जो कि उसके सिस्टर का है। और इसी बेबी के चक्कर में केंजी और उसकी मॉम की अक्सर लड़ाई होती रहती है, क्योंकि उसकी मॉम को लगता है कि इस बच्चे के बाप का कुछ पता नहीं है और उसकी बेटी ने बस अपनी इस नाजायज औलाद को उनके सर फेंक दिया। पर केंजी का ये मानना नहीं था। केंजी कहता है कि पक्का उसकी सिस्टर परेशानी में होगी और वो अपने बच्चे काना को लेने भी आएगी। और इसी वजह से केंजी ने अपनी बहन की सर्च रिपोर्ट भी लिखवा दी थी, पर अब तक कुछ भी पता नहीं चला था। और जब दोनों झगड़ ही रहे थे वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस केंजी से उसके स्टोर के बारे में कई सवाल पूछती है और उनके पूछने पर कि क्या वो लोग अभी भी डिलीवरीज करते हैं, केंजी कहता है सिर्फ ओल्ड कस्टमर्स को। जिसके बाद पुलिस केंजी से शिकिशिमा के बारे में पूछती है। केंजी को याद आता है प्रोफेसर शिकिशिमा, जिनका घर काफी अजीब है और हर जगह ब्लूप्रिंट्स और अजीब से गैजेट्स पड़े रहते हैं। केंजी बताता है कि उसने उनको 2 हफ्ते पहले डिलीवरी करी थी। पर फिर केंजी के पूछने पर कि आखिर उन्हें क्या हुआ, पुलिस बताती है कि शिकिशिमा गायब है, वो और उनकी पूरी फैमिली मिसिंग है। केंजी इससे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और दुखी भी, क्योंकि उसने अभी तक उनसे पेमेंट कलेक्ट नहीं करी थी। और इसके कुछ समय बाद केंजी शिकिशिमा के घर जाने लगता है और उसे रास्ते में उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड मिलता है जो कि एक फैंसी शॉप का मालिक था। दोनों के बीच में पार्टी को लेकर कुछ बातें होती हैं, जिसमें वो लोग अपने दोस्त क्रियोन की शादी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे अब सच में उनके दोस्त क्रियोन की शादी होने वाली है। दोनों उस वक्त को याद करते हैं जब उन्होंने क्रियोन की नुन्नी पर एक मेंढक बनाया था। और वो दोनों ये सोच कर हंसने लग जाते हैं कि अगर वो निशान अभी तक वही होगा तो उसकी वाइफ की शादी वाली रात को क्या हालत होगी। और इन सभी बातों के बाद केंजी शिकिशिमा के घर पहुंचता है, पर उसे वहां कोई भी नहीं मिलता और वो अपनी बॉटल्स लेके वहां से जाने लगता है। पर तभी उसे एक अजीब सा निशान दीवार पर बना मिलता है। केंजी को ये सिंबल थोड़ा सा फैमिलियर लगता है और वो याद करने लगता है कि उसने आखिर इसे कहाँ देखा था। और हम पास्ट को देखते हैं जब केंजी और उसके सभी दोस्तों ने एक सीक्रेट बेस बनाया था और उनका मिशन था इस दुनिया को बुराई से बचाना। और उसी समय ओचो उन सभी बच्चों में से एक उनकी फ्रेंडशिप का एक सिंबल बनाता है और जो भी इस सिंबल को जानेगा वो एक सच्चा दोस्त होगा। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है पर केंजी को उस सिंबल की कहानी याद नहीं आती। और सीन फिर से न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर्स की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर सभी लोग उस इंसान से मिलने का इंतजार कर रहे थे जिसने इंसानियत को बचाया है। और तभी वो आदमी सामने आता है और सभी लोग उसे फ्रेंड कहकर बुलाते हैं।
फ्रेंड कुछ भी नहीं कहता है, पर सभी लोगों की नज़र उसी पर थी। और फिर फ्रेंड हवा में तैरने लगता है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, और उसके नीचे भी वही सिंबल था। और इन सब के बाद हर जगह एक वायरस के बारे में खबर आ रही होती है, जिसके लगने पर बॉडी में से सारा खून बाहर आ जाता है। और पुलिस को एक 24 साल के लड़के की बॉडी मिलती है, जो कि इंजीनियरिंग स्कूल ग्रेजुएट था, और इसकी बॉडी से भी सारा खून बाहर बह चुका था, पर शरीर पर कोई भी चोटों के निशान नहीं थे। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि ये भी वायरस का शिकार हुआ है। और इसके बाद हम केंजी के दोस्त क्रियोन की शादी को देखते हैं, जहां पर केंजी के लगभग सारे दोस्त आए होते हैं। और हम देखते हैं क्रियोन को, जो कि अपनी वाइफ के साथ अपने दोस्तों से मिलने के लिए आता है, पर उसके सभी दोस्त तो क्रियोन को देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं। और इन्हीं सब में उनकी कुछ बातें होती हैं, जहां क्रियोन कह रहा होता है कि उसकी वाइफ सच में काफ़ी खूबसूरत है, और अब उन सभी को भी जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अब बूढ़े हो रहे हैं। और क्रियोन के जाते ही उसके सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं कि क्या वो सच में अपना एक फ्रॉग एम्पायर बनाने वाला है। और इससे उन्हें उनके बचपन की याद आ जाती है, जब क्रियोन मेंढकों का शहंशाह बना था और वो सब एक दूसरे पर टॉय बुलेट्स फायर कर रहे थे। और उनकी गेम का एक रूल था, जहां पर 10 शॉट लगने पर उन्हें 10 बार आई एम डेड कहना होता था। सभी लोग इस पल को याद करके काफ़ी खुश थे, पर केंजी तभी पेपर पर वही सिंबल ड्रॉ करता है और अपने दोस्तों से इसके बारे में पूछने लगता है। पर तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जिसके हिसाब से वो 50 सालों से लोगों के रिश्ते करवा रही है। वो केंजी को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहने लगती है कि ये बड़े संतरे वाली लड़की तुम्हें मिल सकती है, बस तुम्हें अपनी बहन के बच्चे का कुछ करना होगा, नहीं तो वो उसकी शादी नहीं करवा पाएगी। केंजी गुस्से में कहने लगता है कि आखिर उसे किसने कहा उसकी शादी करवाने को, जिस पर वो ओल्ड लेडी कहती है कि वो बड़े संतरे खो देगा। और केंजी गुस्से में कहने लगता है कि दुनिया में बहुत सारे बड़े संतरे हैं, पर उसके पास सिर्फ एक ही काना है, उसकी भांजी। हम देखते हैं कि एक लेडी काना के साथ खेल रही होती है और केंजी की मॉम से बात करती है कि क्या केंजी को भी अब शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर केंजी की मॉम कहने लगती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन केंजी अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के चला जाएगा। और दूसरी तरफ काना ने 10 में 10 बार बॉल किस हैंड में है सही गैस किया था, और इससे वो लेडी काफी सरप्राइज थी। इसके बाद सीन उसी मिस्टीरियस मैन फ्रेंड की तरफ शिफ्ट होता है। फ्रेंड अपने सामने बैठे आदमी को कहता है कि वो मर चुका है, जिससे उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता। और फ्रेंड उसे अपनी आंखें बंद करके उसे आई एम डेड 10 बार रिपीट करने कहता है। और इसके बाद फ्रेंड उस आदमी से पूछता है कि अब उसे क्या दिखाई दे रहा है, और उस आदमी को रोशनी दिखाई दे रही होती है। और इन सभी के बाद सीन 2 पुलिस वालों की तरफ जाता है। दोनों एक दूसरे के केस के बारे में बात करते हैं। चाओ सान प्रोफेसर शिकिशिमा के केस पर काम कर रहा था, और यामा सान उस स्टूडेंट के केस पर काम कर रहा था जो कि वायरस का शिकार हुआ था। पर तभी यामा सान कहता है कि जो स्टूडेंट मरा वो प्रोफेसर शिकिशिमा का स्टूडेंट था और सेम स्कूल में भी था। और यामासान को लग रहा था कि ये दोनों केस शायद एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और दूसरी तरफ केंजी, जिसे कैरियोके गाना था, उसे याद आता है कि उसने कसम खाई थी कि अब वो कभी भी नहीं गाएगा, पर फिर वो गाना गाने लगता है, जिसके बाद हमें इसके पीछे की कहानी दिखाई जाती है, जब केंजी ने बचपन में एक इंग्लिश एफएम पर जंपिंग जैक सॉन्ग सुना था। और केंजी तो काफ़ी हैरान हो गया था जब उसे पता चला कि अमेरिका में ये सॉन्ग सुनने के लिए 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। और तभी से केंजी का भी सपना था कि वो बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करे। और केंजी को इस तरह से देखकर क्लास की एक लड़की यामागुची उस पर हंसती है। और फिर केंजी अपनी मॉम से गिटार मांगता है, पर उसकी मॉम मना कर देती है, जिसके बाद केंजी कई महीने तक पैसे जमा करके एक 4,000 येन का गिटार खरीदता है। और उसकी मुलाकात फिर से यामागुची से हो जाती है। और केंजी स्टार्टिंग में तो यामागुची के सामने काफी ज्यादा शो ऑफ करता है,
पर जब यामागुची उसे रोलिंग स्टोन सॉन्ग प्ले करने कहती है, जो कि काफी बेसिक सॉन्ग है, केंजी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि यामागुची को गिटार और सॉन्ग्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगी। पर जब बाद में यामागुची बताती है कि जंपिंग जैक सॉन्ग को बजाने के लिए उसे एक फोक गिटार की जरूरत है, क्योंकि उसके हाथ में जो गिटार था वो एक क्लासिक गिटार था, और केंजी ये सब सुनकर काफी डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि इतने सारे टाइप्स के भी गिटार होते हैं। और समय बीतने के बाद अब केंजी हाई स्कूल में था, उसने एक बैंड ज्वाइन कर लिया था और उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक गिटार भी आ चुका था। केंजी एक बंदे के साथ जिसका नाम स्पाइडर है, उसके साथ बैठकर उसके न्यू सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें स्पाइडर बोलता है कि उसके पास कोई भी अच्छा गिटारिस्ट नहीं है, जिस पर केंजी अपने आप पर इशारा करने लगता है कि वो एक अच्छा गिटारिस्ट है। पर स्पाइडर केंजी को इग्नोर मारते हुए उससे बैंड में रहने का मकसद पूछता है, जिस पर केंजी कहता है कि वो जापान के सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना चाहता है। पर स्पाइडर के पूछने पर कि क्या वो सच में सीरियस है, केंजी हंसते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। पर स्पाइडर बोलता है कि वो वहां जाने की कोशिश करेगा, और सच में 3 साल बाद स्पाइडर जापान के सबसे बड़े स्टेज बुदोकन में परफॉर्म करता है। पर केंजी तो वहीं का वहीं रह जाता है, और हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पर केंजी अपने स्टोर के सामने सफाई कर रहा था, और तभी यामागुची वहां से गुजरती है, जो कि अब मैरिड थी और साथ में 3 बच्चों की मदर। दोनों के बीच में एक छोटी सी टॉक होती है। यामागुची जाते जाते केंजी को भी जल्दी से शादी करने कहती है, और केंजी यामागुची को उसकी तरफ से उसके हस्बैंड को हाई करने कहता है। और इसके बाद हम फ्रेंड को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि एक बहुत ही बुरी खबर है, ये दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी, पर जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं, वो सभी जिंदा रहेंगे। और इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग फ्रेंड के नाम के नारे लगाने लग जाते हैं। और इसके कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। केंजी अपनी शॉप में होता है, और तभी केंजी का दोस्त मारुओ भागते हुए केंजी की शॉप में आता है और उसे न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसमें उनके बचपन के दोस्त डोंकी ने स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद केंजी को वो समय याद आता है जब वो डोंकी से पहली बार मिला था। डोंकी काफी गरीब था, उसके काफी सारे भाई बहन थे जो कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, और उनकी माँ जो दिन भर मेहनत करती थी, जहाँ पर डोंकी की मॉम का हर दिन सिर्फ कपड़े धोने में ही निकल जाता था। डोंकी के पास एक टावल था जिसमें वो हमेशा अपनी नाक साफ करा करता था, और उस समय 2 भाई जो लगभग सभी बच्चों को परेशान किया करते थे, यानबो एंड माबो, डोंकी को अक्सर बहुत बुरी तरह मारते थे। उसको उठाकर पटकने से लेकर उसकी कमर तोड़ने तक यानबो एंड माबो के लिए डोंकी उनका रेसलिंग प्लेयर था। और उस वक्त केंजी और उसके दोस्त अक्सर अपनी सारी मीटिंग और आइसक्रीम के लिए एक पॉप्सिकल शॉप पर जाते थे, जिसे वो जीजी बाबा बुलाते थे, जहाँ पर जीजी बूढ़ा आदमी था और बाबा एक बूढ़ी औरत, पर अब वहाँ सिर्फ बाबा ही बची थी। तीनों दोस्त आइसक्रीम खाते हुए मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डोंकी आ जाता है, और डोंकी को देखते ही केंजी और उसके दोस्त अपनी अपनी बाइक्स पर भागने लगते हैं कि कहीं वो अपना नाक वाला तौलिया उन पर ना फेंक दे। पर डोंकी की एक खूबी थी कि वो नंगे पाव हवा की रफ्तार के साथ भागता था, जिससे बचने के लिए वो सभी साइकिल चलाते चलाते ग्रेविल पिट में पहुंच जाते हैं, जो कि एक ग्रेविल माइन थी, और अब उसमें काफी सारा पानी भी जमा हो चुका था। केंजी और उसके दोस्तों ने सुना था कि इस गड्ढे के पानी में एक 2 मीटर लंबा सांप है, और इसके बावजूद कि वो जगह कितनी खतरनाक हो सकती है, केंजी और उसके दोस्त उस सांप को फिशिंग रॉड से पकड़ने का डिसाइड करते हैं। पर उनका एक दोस्त डर के मारे वहां नहीं जाता और ऊपर ही रहता है, पर तभी वहां डोंकी अपने नाक वाले तौलिये के साथ पहुंच जाता है, और केंजी का दोस्त चिल्लाने लग जाता है कि क्या वो उनकी बाइक चुराना चाहता है, और उसे दूर भगाने लगता है उनकी बाइक चोरी ना हो जाए। इस डर से केंजी और मराओ जल्दी से ऊपर जाने लगते हैं,
पर तभी मराओ का पैर फिसल जाता है और उसी के साथ में अब केंजी भी फंस चुका था। दोनों आधा पानी में घुस चुके थे और अब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। और अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर योशितुने किसी बड़े को ढूंढने के लिए जाने लगता है, पर उसकी भी बाइक फिसल जाती है, जिसके बाद डोंकी अपने जूते उतारता है और तेजी से एक हट की तरफ भागता है और वो एक रस्सी के साथ वापस आता है क्योंकि उसे वहाँ कोई बड़ा नहीं मिला था। डोंकी रस्सी केंजी और मराओ की तरफ फेंकता है पर रस्सी थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, जिसके बाद डोंकी अपने तौलिए को उस रस्सी के साथ बांधकर उनकी तरफ फेंकता है और ना चाहते हुए भी उन्हें डोंकी का गंदा तौलिया पकड़ना पड़ता है। और इसी इंसिडेंट के बाद से केंजी, डोंकी और बाकी सभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी बाइक्स को छोड़कर डोंकी के साथ भागना शुरू करते हैं। और इन सभी यादों के साथ केंजी डोंकी के वेक फ्यूनरल से पहली वाली रात में जा रहा था, तभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि डोंकी की तरफ से था। उस लेटर में लिखा था, केंजी तुम कैसे हो, काफी समय बीत गया हमें मिले हुए और मुझे माफ करना केंजी कि तुम्हें अचानक से ये लेटर भेज रहा हूँ, पर क्या तुम्हें ये सिंबल याद है। और इन सभी के बाद हम केंजी और उसके दोस्तों को डोंकी के वेक पर प्रार्थना करते हुए देखते हैं और ये सभी रस्म कराने के लिए डोंकी के वेक पे जो पंडित आया होता है वो एकदम मस्त सुशी और दारू दबा रहा होता है, जो देखकर केंजी को काफी गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद केंजी भी अपने सभी दोस्तों के साथ खाने के लिए बैठ जाता है। सभी बात करने लगते हैं कि आखिर डोंकी अपने छोटे बच्चे और वाइफ के रहते हुए सुसाइड कैसे कर सकता है और कहीं उसे स्टूडेंट तो परेशान नहीं करते थे। पर फिर वो सब ये भी सोचते हैं कि डोंकी बचपन में काफी बुली हुआ है और अगर उसे सुसाइड करना होता तो वो कब का सुसाइड कर सकता था। किसी को भी डोंकी के सुसाइड के पीछे का रीजन समझ नहीं आ रहा था। और तभी केंजी अपनी जेब से डोंकी का भेजा लेटर निकालने लगता है, पर केंजी का फ्रेंड मोनचान सभी को डोंकी की याद में चीयर्स करने कहता है। सभी लोग ड्रिंक पीते हैं और क्रियोन को याद आता है कि पहले भी डोंकी ने फिफ्थ ग्रेड में सेकंड स्टोरी से छलांग लगा दी थी, पर उस समय केंजी वहाँ नहीं था। और मोनचान पूरा किस्सा बताना शुरू करता है। ये फिफ्थ ग्रेड की बात है, उस समय कात्सुमाता नाम का एक बच्चा जिसे साइंस एक्सपेरिमेंट करना काफी पसंद था, उसकी मौत हमारे डिसेक्शन के एक्सपेरिमेंट से पहले हो जाती है और ये बात फैल जाती है कि कात्सुमाता कुन हर रात साइंस लैब में डिसेक्शन करता है। और इसी तरह एक दिन जब मोनचान की फिश टैंक साफ करने की ड्यूटी थी, वो ऑक्सीजन स्विच ऑन करना भूल जाता है। पर अब आधी रात हो चुकी थी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो साइंस लैब में जाकर स्विच ऑन कर सके, पर अगर वो ऐसा नहीं करता तो सारी मछलियां मर जाती और फिर उसे टीचर से डांट पड़ती। इसलिए वो अपने साथ डोंकी को ले जाता है। डोंकी को भूतों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो स्कूल के अंदर साइंस लैब में अकेले जाता है, बाकी सभी खिड़की से डोंकी को बाहर से ही देख रहे होते हैं। साइंस लैब में डोंकी स्विच ऑन कर देता है, पर तभी वो पीछे घूमता है और कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। डोंकी सीधा दूसरी मंजिल से ही छलांग लगा देता है और बिना किसी को कुछ कहे वहां से भाग जाता है। बाकी सभी भी डर के मारे वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद जब केंजी पूछता है कि आखिर डोंकी ने वहां क्या देखा, तो सभी कहते हैं कि उसने उन्हें कभी भी ये बात नहीं बताई। और क्रियोन कहता है कि शायद डोंकी छत से ये सोचकर कूद गया कि पहले की तरह कुछ नहीं होगा। और सभी हंसने लगते हैं। इन सभी के बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है तामुरा मसाओ। मसाओ एक सीडी निकालता है और उसे सुनने लगता है, जिसे वो हीलिंग म्यूजिक कहता है। पर हम देखते हैं कि उस सीडी के कवर पर वही सेम सिंबल बना था, बल्कि उसके पूरे कमरे में हर जगह फ्रेंड का सिंबल दिखाई देता है। लेटर ऑन हमें पता चलता है कि मसाओ फ्रेंड के ही समूह का हिस्सा है और उसने फ्रेंड से पूछा था कि आखिर हीलिंग, दर्द से राहत मिलने का क्या मतलब है। फ्रेंड कहता है उसके साथ रहना ही हीलिंग है। फिर दूसरा आदमी पूछता है कि वो लोग कहाँ से आए हैं। फ्रेंड कहता है एक बड़े मैदान में हमारा एक किला है, वो हमारा सीक्रेट बेस है और यहीं पर हमने दुनिया को बचाने का डिसीजन लिया था। और फ्रेंड उसी जगह के बारे में बोल रहा था जहां पर केंजी और उसके दोस्तों ने दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए
घास के मैदान में अपना सीक्रेट बेस बनाया था और इसके बाद फ्रेंड कहने लगता है कि वो कॉलिंस है। उसने आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन को सरफेस पर चलते हुए देखा, पर सिर्फ वही था जो चांद पर पहुंच कर भी बिना कदम रख के वापस लौट आया। और सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि फ्रेंड रो रहा था। जिसके बाद हमें इसके पीछे की कहानी दिखाई जाती है, जब एक रात डोंकी केंजी के घर पर टीवी देखने आया था क्योंकि उसके घर में कोई टीवी नहीं था। वो दोनों टीवी में कैनेडी स्पेस सेंटर से चलाया हुआ ट्रांसमिशन देख रहे थे, जहां पर तीन एस्ट्रोनॉट्स आर्मस्ट्रॉन्ग, मेजर एल्ड्रिन और ल्यूटनेंट कॉलिंस ह्यूमैनिटी में पहली बार कदम रखने जा रहे थे। दोनों बस यही देखने के लिए कि वो सक्सीड होंगे या नहीं पूरी रात जगे रहते हैं, पर सब कुछ धुंधला दिख रहा था। आवाज भी कट कट के आ रही थी। केंजी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वो और जग सके और वो वही कारपेट पर सो जाता है। अगले दिन केंजी अपने सभी दोस्तों से मिलता है, जहां पर वो दोनों भी सुबह के 5 बजे तक जगे रहे, पर लास्ट में क्या हुआ नहीं देख पाए। जिसके बाद केंजी बताता है कि डोंकी पूरी रात टीवी देखता रहा, सिर्फ वही बता सकता है कि आखिर क्या हुआ। तभी डोंकी तेजी से भागता हुआ आता है और सड़क से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है। उसके दोस्त डोंकी को पीछे से आवाज लगाते हैं और डोंकी आर्मस्ट्रॉन्ग का कोट कहता है कि ये एक इंसान के लिए छोटा सा कदम था, पर इंसानियत के लिए ये एक बड़ी जीत है। डोंकी कहने लगता है कि वो भी चांद पर जाएगा और वहां से तेजी से भाग जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। और तभी पीछे से एक बच्चा कहता है, काफी अच्छा हुआ कि आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद पर कदम रख पाए, पर मुझे कॉलिंस के लिए बुरा लग रहा है कि उसे स्पेसशिप में ही रहना पड़ा। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर केंजी डोंकी की वाइफ को उसके हस्बैंड का भेजा हुआ लेटर दिखाता है, जिसमें डोंकी ने आगे लिखा था कि क्या तुम्हें ये सिंबल याद है, मैं तुमसे मिलकर जल्द ही इसके बारे में बात करूंगा। तभी केंजी पूछता है कि क्या कोई चीज डोंकी को परेशान कर रही थी। वो बताती है कि डोंकी का एक स्टूडेंट मसाओ, जो काफी ब्राइट था और ओकामोजु यूनिवर्सिटी में जाने के कैपेबल भी था, पर मसाओ के पेरेंट्स कुछ समय पहले उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उन्हें बताया था कि मसाओ किसी फ्रेंड के साथ फंस चुका है। जिस पर केंजी कहने लगता है कि डोंकी ने उसे कहा था कि वो उससे जल्द ही मिलेगा, तो आखिर वो सुसाइड कैसे कर सकता है। और केंजी की नजर एक टेलीस्कोप पर जाती है जो कि शायद डोंकी यूज करता था, और उसे डोंकी के चांद पर जाने की बात याद आती है। केंजी जाते जाते डोंकी की वाइफ को थोड़ी हिम्मत देता है और रास्ते में जाते वक्त केंजी सोचता है कि आखिर डोंकी किस फ्लैग को चांद पर लगाने की बात कर रहा था। इसके बाद केंजी मसाओ के बारे में पूछते हुए उसके स्कूल तक पहुंच जाता है और वहां से उसे पता चलता है कि मसाओ प्रोफेसर शिकिशिमा का स्टूडेंट है। जिसके बाद उसे सारी बातें याद आने लगती है कि शिकिशिमा जब गायब हुए तो उनके घर पर फिर डोंकी के भेजे हुए लेटर में भी वही सिंबल, और अब मसाओ जो फ्रेंड के ग्रुप में था। केंजी को ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए महसूस होते हैं। वो सोचता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। केंजी वहां बैठे आदमी से मसाओ की क्लास के बारे में पूछता है, और क्योंकि उसे अभी तक मसाओ का एड्रेस नहीं मिला था, वो मसाओ के दोस्तों से फील्ड में बात करने जाता है। मसाओ के सभी दोस्त बेसबॉल खेलने में बिजी थे, इसलिए वो केंजी को इग्नोर करे जा रहे थे। पर तभी केंजी की नजर उन सभी की टी शर्ट पर जाती है। सभी की टी शर्ट पर वही सेम सिंबल था। केंजी ये देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो उन सभी से उनके शर्ट पर बने सिंबल के बारे में पूछता है। वो सब बताते हैं कि ये टी शर्ट उन्हें मसाओ ने 980 येन में बेची है, और सिंबल शायद उसके समूह का निशान है जिसके बारे में वो हमेशा बात करता रहता है कुछ फ्रेंड के बारे में। जिसके बाद सीन फ्रेंड की तरफ जाता है। एक आदमी फ्रेंड को एक पेपर देते हुए कहता है कि लिस्ट तैयार है। फ्रेंड लिस्ट में लिखे कुछ नामों पर इशारा करते हुए कहता है, इन दोनों को प्योरीफाई करने की जरूरत है। जिसके बाद सीन मसाओ की तरफ जाता है, जो कि अपना हीलिंग सॉन्ग सुनते हुए अपने बैग में कुछ सामान पैक कर रहा होता है, जहां पर आखिर में वो एक चाकू बैग में डालकर घर से निकल जाता है। पर सामने केंजी खड़ा था। मसाओ केंजी को देखकर भी अनदेखा कर देता है, जिस पर केंजी मसाओ को रोकते हुए
उससे कई सवाल पूछने लगता है। वो पूछता है कि कीदो सेंसाई डोंकी सुसाइड करने वाले लोगों में से नहीं है, आखिर उसके साथ क्या हुआ। और तभी मसाओ चिल्लाने लगता है और वो कहता है, अगर तू जानना चाहता है तो अपना दिल खोल के देख, अगर तू जानना चाहता है तो डेली नहा, अगर तू जानना चाहता है तो रोज ब्रश कर, अगर तू जानना चाहता है तो फ्रेंड बन जा। और ये सब कहकर मसाओ वहाँ से जाने लगता है। केंजी को मसाओ की कोई भी बात समझ नहीं आती, पर फिर वो उससे उस फ्रेंड के सिंबल के बारे में पूछता है, जिसको देखकर मसाओ कहता है, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है तो तू सिर्फ एक कदम ही फ्रेंड से दूर है। और मसाओ आर्मस्ट्रांग के सेंटेंस रिपीट करता है, इंसान के लिए एक छोटा कदम पर इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। और केंजी फिर से क्लूलेस रह जाता है, जिसके बाद हम केंजी को उसके सभी दोस्तों के साथ देखते हैं। और क्योंकि मोन चांद सिर्फ कुछ समय के लिए ही जापान आया था, अब उसके वापस जाने का समय आ चुका था। और फिर केंजी अपने सभी दोस्तों को वही सिंबल दिखाता है और बताता है कि उसे ये लेटर डोंकी ने भेजा था और ये किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। किसी को कुछ याद नहीं आता और वो लोग केंजी को भी सब कुछ भूलकर पार्टी करने कह रहे होते हैं, पर तभी उन्हें सीक्रेट हाइडआउट वर्ड से उनके बचपन की याद आ जाती है, जहाँ पर मैदान में उन्होंने एक सीक्रेट बेस बनाया था। वो उनका किला था जहाँ पर वो रेडियो और मांगा से इंजॉय किया करते थे। और इन सब को याद करते करते मोनचान को कुछ याद आता है और वो कहता है कि उन्होंने उस बेस में कुछ गाड़ा था। सभी कहने लगते हैं, पर उन्हें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पर मोनचान कहता है उसे पूरा यकीन है कि उन्होंने वहाँ कुछ छिपाया था, और अगर उन्हें भरोसा ना हो तो वो सब अभी उसके साथ चले। जिसके बाद वो सभी अपनी उसी पुरानी जगह पर जाते हैं, जहाँ अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी थी। सारी जगह इतनी बदल चुकी थी कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनका सीक्रेट बेस हुआ करता था, पर किस्मत से जिस पेड़ के नीचे उन्होंने वो चीज़ गाड़ी थी वो अभी भी वही था। सभी दोस्त पेड़ की हर तरफ खुदाई करने लगते हैं। क्रियोन कहता है कि ये किसी और की प्रॉपर्टी है, उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। केंजी कहता है, पर हमारा बेस यहाँ पहले से है। जिसके बाद हम केंजी की मॉम को देखते हैं, जो केंजी को कोसते हुए अखबार पढ़ रही थी, जिसमें एक फेमस रिलीजियस सेक्टर के फाउंडर को चाकू से मार दिया गया था। और हम उसी इंसिडेंट को देखते हैं जहां पर मसाओ एक नाइफ से उस आदमी को चाकू का इस्तेमाल करते हुए मार देता है, और वो इसे प्योरिफिकेशन कहता है। मतलब फ्रेंड ने जिस आदमी की बात की थी वो इची मोंजी था, और प्योरिफिकेशन का काम मसाओ को दिया गया था। सीन फिर से केंजी और उसके दोस्तों की तरफ जाता है, जहां पर उन्हें उनका बरसों पहले गाड़ा गया सामान मिल चुका था, और उस बॉक्स के ऊपर वही सेम फ्रेंड सिंबल था। और हम पास्ट में देखते हैं, जहां पर केंजी और उसके सभी दोस्तों को उनके सीक्रेट बेस से बाहर भगा दिया गया था, क्योंकि उस लैंड पर एक बॉलिंग एले बनने वाली थी। केंजी एक बॉक्स में सबको अपना अपना सामान रखने कहता है, ताकि जब वो लोग बड़े हो तो सभी अपने फ्यूचर सेल्फ्स को एक मैसेज दे सके। मोनचान उस बॉक्स को खोलता है, और वो जैसे ही अपना हाथ उस बॉक्स में डालता है वो चीखते हुए पीछे कूद जाता है, और हम देखते हैं कि उसमें से प्लास्टिक स्नेक और फ्रॉग बाहर निकलते हैं, जो कि क्रियोन ने बचपन में डाला था। मोनचान क्रियोन की इस हरकत पर उसे डांटता है, पर उसके बाद वो दूसरी चीजें उस बॉक्स से बाहर निकालते हैं, जिसमें एडल्ट मैगजीन और एक अश्लील पोस्टर था। ये सब देखकर उन्हें अपने आप पर काफ़ी शर्म आती है। केंजी को भी अपनी लेज़र गन और लेज़र रोबोट की ड्राइंग उस बॉक्स में से मिलती है, पर इन सब के बाद वो उसमें से एक कपड़ा बाहर निकालते हैं जिसमें फ्रेंड सिंबल बना हुआ था, और ये फ्लैग डोंकी ने बचपन में चांद पर अपने बेस के आगे लगाने के लिए बनाया था। सीन फ्रेंड की तरफ जाता है, जहां वो सभी को उनकी प्योरिफिकेशन इची मोंजी की डेथ के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि जो कोई भी गलत ज्ञान और बातों का प्रचार करेगा उसे इसी तरह से प्योरीफाई किया जाएगा, और यूनिवर्स अपने ट्रू फ्रेंड्स चूज करना शुरू कर चुका है। जिसके बाद फ्रेंड कहता है, समय आ चुका है
बर्बादी और पुनर्जन्म का, जिसके बाद हम फ्रेंड के एक स्पेशल आदमी को देखते हैं जो कुछ लोगों से पूछता है कि क्या काम कंप्लीट हो चुका है। वर्कर्स बताते हैं कि उन्हें बेहद खेद है देरी के लिए, जिस पर मानजो में कहता है बस फ्रेंड खुश होना चाहिए। और जब मानजो में फ्रेंड शिप देखता है तो उसे यकीन था कि फ्रेंड इससे पक्का खुश हो जाएगा। सीन अब केंजी और उसके दोस्तों की तरफ जाता है, जहां पर अब मोनचान वापस जा रहा था। तभी लोग उसे विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं, और मोनचान को छोड़ने के बाद जब सभी वापस जा रहे थे, केंजी अपने दोस्तों से उसी बॉक्स के बारे में बात करता है कि पक्का ये बॉक्स काफी इम्पोर्टेंट है। पर उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि आखिर वो अभी तक उसके पीछे क्यों पड़ा है, वो उसे भूल क्यों नहीं जाता, उसमें सिर्फ कचरा है जो उन्होंने बचपन में इसमें डाला था। पर केंजी सभी को सब कुछ बताता है कि कैसे ये सिंबल प्रोफेसर शिकिशिमा, मसाओ और डोंकी की डेथ से रिलेटेड है, और ये जो कोई भी कर रहा है वो इस सिंबल के बारे में जानता है और बचपन में उनके साथ ही था। जिसके बाद सभी दोस्त सोचने लगते हैं, और मराओ बताता है उनके साथ ओचो और कोंची थे। पर तभी योशित्सुने कहता है कि उनके साथ युकीजी भी तो थी, वही स्ट्रॉन्ग लड़की। और तभी केंजी जोरों से चिल्लाता है उसे एक स्निफिंग डॉग ने पिछवाड़े में काट लिया था। और हम देखते हैं युकीजी को, जो कि एक नार्क ऑफिसर थी। और इसके बाद हमें युकीजी की एक छोटी सी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है। यानबू और माबू दो इविल ब्रदर्स जो हर किसी को परेशान करते थे। अगर उनसे कोई नहीं डरता था तो वो थी सिर्फ युकीजी। युकीजी हर बार यानबू और माबू को सबक सिखाती थी और अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट किया करती थी। और अब युकीजी एक नार्क ऑफिसर बन चुकी थी, जो काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और क्योंकि युकीजी बचपन से काफी स्ट्रांग रही है, वो बुलीस को हमेशा से सबक सिखाती रही है। बड़े होने पर भी उसने हाई स्कूल के 12 लड़कों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। इसलिए सब बात करने लगते हैं कि युकीजी कैसे बिल्कुल भी नहीं बदली है, और अब तो वो एक प्रो रेसलर भी बन चुकी है। युकीजी चिल्ला चिल्ला कर कहे जा रही थी कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है, और इन्हीं सब मामलों की वजह से युकीजी का हाथ रिलेशनशिप में कच्चा था। युकीजी सब कुछ भुला देना चाहती थी, पर शर्मिंदा होकर वो वहां से जाने लगती है। पर तभी केंजी युकीजी को रोकते हुए उसे फ्रेंड सिंबल दिखाता है और पूछता है कि क्या उसे ये याद है। युकीजी घूमती है पर फिर सभी को गुड बाय बोलकर चली जाती है। केंजी को युकीजी के इस अजीब बिहेवियर को देखकर कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हम डॉक्टर इचिहारा, जो कि एक वकील है, वो फ्रेंड के राइट हैंड इंशुमान जूमे से मिलने आई होती है, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ने इचिहारा से मदद मांगी थी, क्योंकि उन सभी के बच्चे फ्रेंड के समूह में शामिल हो चुके थे और उनसे दूर होते जा रहे थे। डॉक्टर इचिहारा मानजोमे से उनके ग्रुप का रियल नेम पूछती है। मानजोमे कहता है कि उनके ग्रुप को आखिर किसी नाम की जरूरत क्यों है, जिस पर इचिहारा कहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक नाम की जरूरत है। जिसके बाद इचिहारा उनके लीडर फ्रेंड का रियल नेम पूछती है, और मानजोमे कहता है कि फ्रेंड फ्रेंड है। और मानजोमे इन सभी कन्वर्सेशन के बीच में एक चम्मच को टेबल पर टैप कर रहा था। वो कहता है फ्रेंड के हाथों में फ्रेंडशिप है, और उसी ने इसके बारे में सबसे पहले सोचा था, और सिर्फ उसी को इसे इस्तेमाल करने की इजाजत है। मानजोमे ये सब कहकर वहां से जाने लगता है। डॉक्टर इचिहारा मानजोमे को रोकने की कोशिश करती है, पर मानजोमे नहीं रुकता, और उसके जाने के बाद इचिहारा का पार्टनर कहने लगता है कि उसने शायद इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। और तभी उनकी नजर टेबल पर रखी चम्मचों पर जाती है, जो पूरी तरह से बेकार हो चुके थे। इसके बाद सीन केंजी के मिनी मार्ट पर जाता है, जहां पर युकीजी केंजी को बताती है कि उसे याद आ चुका है कि वो सिंबल किसने बनाया था। पर जब केंजी उस सिंबल के बारे में पूछता है तो युकीजी कहती है कि आखिर वो सिंबल के बारे में कैसे भूल सकता है, जब पूरा टाइम वो बचपन में सिर्फ दुनिया को बचाने की ही बात किया करता था। और युकीजी के पूछने पर कि क्या केंजी को सच में कुछ भी याद नहीं है, और आखिर वो अब अचानक से इस सिंबल के बारे में क्यों जानना चाहता है, केंजी कहता है कि वो पहले सिर्फ एक बच्चा ही तो था। और केंजी बताता है
कि डोंकी ने मरने से पहले उसे एक लेटर भेजा था जिसमें उसने उससे सिंबल के बारे में पूछा था। युकीजी भी कहती है कि उसे डोंकी की डेथ के बारे में पता है और उसे भी यकीन नहीं होता कि वो सुसाइड कर सकता है, जिसके बाद युकीजी बताती है कि ये सिंबल ओचो ने ड्रॉ किया था और ये सिंबल का मतलब है फ्रेंडशिप। और तभी स्टोर में कुछ कस्टमर्स आते हैं पर केंजी कन्वर्सेशन में बिजी होने के कारण उनको ग्रीट नहीं करता। और तभी एक दूसरा आदमी जो कि केंजी का फ्रेंचाइज इंस्पेक्टर है वो कस्टमर को ग्रीट करता है और केंजी को कहता है कि उसे अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना चाहिए, जिस पर केंजी यस कहता है। जिसके बाद युकीजी केंजी को एक एड्रेस देती है और वहां से जाने लगती है। वो केंजी को उसकी दोस्त डॉक्टर इचिहारा से मिलने कहती है। वो उसे 2 बजे लोकेशन पर पहुंचने कहती है जहां पर फ्रेंड्स के सारे विक्टिम इकट्ठा होने वाले थे। केंजी कहता है कि आखिर वो वहां क्या करेगा। युकीजी केंजी को बोलती है कि उसे जो कुछ भी पता है उसे वहां सब कुछ बस बताना है और वो लोग उसकी फ्रेंड तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगे और वो यहां सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे वो सीरियस लग रहा है। केंजी के दिमाग में कई सवाल थे पर युकीजी आखिर में ये कहकर निकल जाती है कि उसे यकीन है कि वो वहां जरूर आएगा। और फ्रेंचाइज इंस्पेक्टर केंजी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। जिसके बाद हम फिर से पास्ट की एक मेमोरी को देखते हैं जहां पर युकीजी ने यानबो और माबो को बुरी तरह से पछाड़ दिया था और उसी वक्त यानबो और माबो ने युकीजी के सामने अपने कपड़े उतार दिए थे, ये कहते हुए कि युकीजी उन्हें फेंकने के लिए उनके कपड़ों और कॉलर्स का इस्तेमाल कर रही है। जिस पर युकीजी कहती है कि इसमें आखिर गलत ही क्या है। यानबो और माबो युकीजी को भी उसके कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। युकीजी भी गुस्से में अपने कपड़े उतारने लगती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद यानबो और माबो जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगती हैं। और तभी केंजी वहां युकीजी को बचाने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं कि युकीजी भी इसी बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी दोस्त इचिहारा वहां आ जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इचिहारा युकीजी को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया करती है, ये कहते हुए कि उसकी मदद के बिना शायद वो ये कभी भी नहीं जान पाती कि ये मिस्टीरियस सिंबल उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ने बनाया था। युकीजी पूछती है कि क्या उसे केंजी का कॉल आया था। इचिहारा कहती है कि उसे अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया है पर अगर केंजी आता है तो सच में ये उनके लिए काफी बड़ी मदद होगी। जिसके बाद इचिहारा उस रूम में चली जाती है जहां सभी बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में आए थे जिनके बच्चे अब फ्रेंड के कल्ट में शामिल हो गए हैं। जिसके बाद युकीजी कहती है कि केंजी तुम आओगे ना बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले आए थे। सीन केंजी की तरफ जाता है जहां वो इंस्पेक्टर केंजी की क्लास ले रहा होता है कि कैसे सभी राइवल स्टोर्स उनसे अच्छी सेल्स लेके जा रहे हैं। जिसके बाद युकीजी याद करती है कि केंजी को पता था कि वो कमजोर है और वो यानबो और माबो के सामने नहीं टिक पाएगा पर फिर भी वो लड़ा था और जब मैं रो रही थी तो उसने कहा था कि युकीजी मत रो और हमारी फ्रेंड बनकर हमें इविल से लड़ने में मदद करो। और दूसरी तरफ केंजी कहता है मैं अब वो केंजी नहीं रहा युकीजी जैसे मैं पहले हुआ करता था। जिसके बाद सीन इंस्पेक्टर चाओसान की तरफ शिफ्ट होता है और गाइज अब यहाँ से स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज चाओसान के पोते शोई चैन का बर्थडे था और चाओसान पूछता है कि आखिर उसे गिफ्ट में क्या चाहिए, जिस पर कोनो कुन मे बी फादर ऑफ शोई चैन कहता है उसे पीकाबू चाहिए, एक टॉय जो उस समय के बच्चों में काफी पॉपुलर था। और कुछ हंसी मजाक के बाद जब चाओसान फोन रखने लगता है तभी कोनो कुन चाओसान को उनके साथ उनके घर पर रहने कहता है क्योंकि चाओसान एक हफ्ते बाद रिटायर होने वाले थे पर चाओसान मना कर देते हैं। और हमें पता चलता है कि चाओसान के उसकी बेटी के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। जिसके बाद चाओसान फोन काट देता है और अपनी डेड वाइफ की फोटो को देखने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में चाओसान के हाथ में वही टॉय होता है और तभी उसकी मुलाकात यामासान उसके जूनियर इंस्पेक्टर से होती है। जिसके बाद चाओसान यामासान को अपने साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए एक कॉफी शॉप में ले जाता है। कॉफी पीते हुए यामा चाओसान को कहता है एक हफ्ते बाद में आपकी चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाऊंगा। जिसके बाद चाओसान कहता है
मैं भी इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते से तुम इस केस को संभालो। जिसके बाद यमा कहता है, वो शिकिशिमा का मिसिंग फैमिली केस और फिर चोसान यामासान के केस के बारे में पूछता है, जिसमें कि प्रोफेसर शिकिशिमा का स्टूडेंट मारा गया था और उसके शरीर से सारा खून बाहर बह गया था। यामा बताता है कि उस केस से अब उनका कोई लेना देना नहीं है, जिस पर चोसान उसे ढंग से एक्सप्लेन करने कहता है और यामा बताता है कि हाँ, उसे याद है कि उसने कहा था कि शायद ये दोनों केस जुड़े हुए हैं, पर रिपोर्ट में पता चला है कि उसको कोई डिसीज थी और ये वायरस अफ्रीका में पाया जाता है, और उन्हें ये भी पता चला था कि वो मरने से पहले ही अफ्रीका विजिट कर चुका था, और इसी वजह से मुझे लगता है ये दो डिफरेंट केसेस हैं। पर चोसान को ऐसा नहीं लगता। वो यामासान को दो पिक्चर्स दिखाता है, एक जो कि शिकिशिमा के दरवाजे पर बनी थी और दूसरी जो कि शिकिशिमा के स्टूडेंट्स के टी शर्ट पर थी। यामा पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, और चोसान यामा को फ्रेंड और इस सिंबल के बारे में बताता है कि कैसे उसे भी नहीं पता कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं, और इसी का पता लगाने के लिए वो एक थियोलॉजिस्ट के पास जाता है, और थियोलॉजिस्ट बताता है कि जिन पैटर्न्स पर वो अभी रिसर्च कर रहा है वो ये नहीं बता सकता कि फ्रेंड एक रिलीजियस ग्रुप है या नहीं, पर उसने एक बात सुनी थी, एक अफवाह जहाँ फ्रेंड का ग्रुप और पियर्स हार्ट के लोगों में झगड़ा था, और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे मसाओ ने मारा था, और फ्रेंड ने इसे प्योरिफिकेशन का नाम दिया था, और इसलिए चोसान पियर्स के हेडक्वार्टर में जाकर उस सिंबल के बारे में पूछता है, और मैनेजर बताता है कि इस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंड को उसके मास्टर जानते थे, और फिर मैनेजर चोसान को सारी बात बताता है कि उसके मास्टर के अकॉर्डिंग फ्रेंड एक गधा था, और 17 साल पहले वो दोनों एक ही रिलीजियस ग्रुप में पढ़ते थे, पर फिर उसके मास्टर ने उस ग्रुप को छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी खुद की ताकत से एक ग्रुप बनाना चाहते थे। और इतना सुनते ही चोसान पूछते हैं कि क्या उसके मास्टर ने कभी उसे फ्रेंड का नाम बताया था, और मैनेजर कहता है हाँ, जिसके बाद चोसान उसी ग्रुप के होम पर पहुंच जाता है जहां से 17 साल पहले पियर निकल गया था, और वहां से उसे उसके एड्रेस के बारे में पता चलता है जो कि अब सिर्फ एक वेयरहाउस बन चुका था, पर वो प्रोफेसर शिकिशिमा से काफी करीब था, जिसके बाद वो पास की शॉप में उस घर में रहने वाले आदमी के बारे में पूछता है, और वहां से वो फ्रेंड के पुराने स्कूल में पहुंच जाता है, जिसके बाद चोसान उस स्कूल से उस समय की सारी ईयर बुक्स घर ले आते हैं, और उन्हें अच्छे से देखने के बाद चोसान को उसमें एंदो केंजी का नाम भी दिखाई देता है, और उसी के साथ था फ्रेंड। और जब वो एंदो केंजी का एड्रेस मैच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वही मिनी मार्ट वाला केंजी था, और यहीं से चोसान को पता चला कि केंजी और फ्रेंड दोनों क्लासमेट्स थे, जिसके बाद चोसान सीधा केंजी से मिलने उसकी मार्ट जाते हैं, पर वो देखते हैं कि केंजी का कॉरपोरेट मैनेजर केंजी की क्लास ले रहा होता है, और केंजी चुपचाप से सारी बातें मान रहा था। चोसान दरवाजे से ही चले जाते हैं और केंजी से उस समय बात नहीं कर पाते, जिसके बाद यमा कहता है तो तुम केंजी से नहीं पूछ पाए और यही तक तुमने अभी इन्वेस्टिगेशन करी है, जिस पर चोसान बताने लगते हैं कि उसने फ्रेंड के टीचर से भी बात करी है। पर तभी कोनोक उनका फोन आता है, वो चोसान को उसके नाती के बर्थडे में जल्द से जल्द आने के लिए कहता है, जिस पर चोसान कहता है कि वो जल्द ही आ जाएगा, और वो फोन काट देता है, जिसके बाद चोसान बताते हैं कि आज उनके नाती का बर्थडे है, जिस पर यमा कहता है तो ये गिफ्ट तुम अपने नाती के लिए खरीद कर लाए हो। पर तभी चोसान कहते हैं कि शायद वो पार्टी में ना जाए, जिस पर जब यमा कारण पूछता है तो चोसान बताते हैं कि उसका उसकी बेटी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, जिसके बाद चोसान बताते हैं कि स्पोर्ट्स डे के दौरान मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे वहां देखने आऊंगा, पर मैं 2 घंटे लेट हो गया, और उसकी शादी के वक्त जब मुझे उसके साथ होना चाहिए था मैं 3 घंटे लेट पहुंचा, और सारी रस्म किसी और रिलेटिव को करनी पड़ी, और इतना ही नहीं, जब मेरी वाइफ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी मैं 4 घंटे लेट पहुंचा, और उस दिन के बाद से युमिको ने मुझसे दोबारा कभी भी बात नहीं करी। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद
चोसान अपने आप को वर्थलेस और बेवकूफ कहते हैं, जिसके बाद चोसान यामा को ये केस संभालने कहते हैं, क्योंकि शायद ये केस काफी बदतर मोड़ ले सकता है या फिर शायद ये मामला बदतर हो चुका है। जिसके बाद चोसान यामा को बताते हैं कि जब मैंने केंजी और फ्रेंड को पढ़ाने वाले टीचर से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि उस समय क्लास 7 का उन्हें सिर्फ एक ही इंसिडेंट याद है, स्पून बेंडिंग इंसिडेंट, जहां लंच टाइम के दौरान सारे चम्मच मरोड़ दिए गए थे। जिस पर चोसान के पूछने पर कि आखिर वो सब किसने किया, तभी फोन की रिंग बजती है और फोन पर युमिको थी। युमिको अपने फादर को पार्टी में आने के लिए कहती है, जिस पर जब चोसान पूछते हैं कि क्या वो श्योर है, युमिको कहती है कि अगर आप सिर्फ एक घंटा ही लेट होते हो तो मैं आपको माफ कर दूंगी, जल्दी आना। और चोसान रोते हुए कहता है कि वह जरूर आएगा। और फोन कट होते ही यामा केस की बुक बंद करते हुए जल्दी से चोसान को पार्टी में जाने कहता है। वो कहता है कि आखिर वो किस चीज का वेट कर रहा है, उसे जल्दी से अपने नाती को देखने जाना चाहिए और अब से केस की जिम्मेदारी उसकी है। और चोसान यामा को थैंक्स बोलते हुए वहां से जाने लगते हैं, पर उसे अभी भी केस की चिंता थी। तो यामा चोसान के पीछे हाथ मारते हुए उसे टेंशन फ्री होने कहता है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और चोसान गिफ्ट लेके निकल जाता है। पर तभी हम यामा की आवाज सुनते हैं। वो कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से काफी परेशानी हुई, पर वो आदमी कुछ ज्यादा ही जान चुका था। अगर मैं फ्रेंड से पहले मिला होता तो ये सब नहीं होता। और हाँ, मैंने उसे प्योरीफाई कर दिया है। और हम देखते हैं कि चोसान की गर्दन पर एक छेद था और चोसान के उनके गर्दन पर हाथ रखते ही वहां से बहुत सारा खून निकलता है और देखते ही देखते चोसान के मुंह और नाक से भी खून बहने लगता है और वो वहीं गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यमा फ्रेंड के समूह का हिस्सा होता है। और इन सब के बाद हम अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर देखते हैं कि डिटेक्टिव चोसान, जो कि एक हफ्ते बाद रिटायर होने वाला था, उसके पूरे शरीर से सारा खून बह गया और वो मारा गया। और गाइस, यमा सान ने चोसान के पीछे जब हाथ मारा था, उसने तभी ये वायरस चोसान के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद हम आखिर में केंजी को देखते हैं, जिसकी दुकान पर कोई कस्टमर आता है। और गाइस, इस कहानी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। और इस पार्ट में हमने इस कहानी के लगभग 5-6 एपिसोड्स कवर कर दिए हैं और अब यहाँ से कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।